तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि सेल चल रही है, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए अमेजिंग स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 और हर कैटेगरी में सॉफ्टवेयर, कैमरा और लास्ट में परफॉर्मेंस भी बताऊंगा जिस पे आप इजीली गेमिंग कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक ऑलराउंड फोन की बात करते हैं, ये है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE। ये वैसे तो अभी 26,000 का देखने को मिल जाता है अमेजोन पे, पर बैंक डिस्काउंट के साथ आप इसको 25,000 में ले सकते हो। इसके डिज़ाइन की बात करें तो आपको पीछे प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाती है और एलुमिनियम फ्रेम है, पर डिज़ाइन फिर भी सही लगता है, ज़्यादा बुरा नहीं है। डिस्प्ले में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। बाकी इसके प्रोसेसर को देखें तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल जाता है, जिसकी परफॉर्मेंस अगर अंततः स्कोर देखो तो आपको 750,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो आप लाइट गेमिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली और स्मूथ चलेंगे सारे आपके मल्टीटास्किंग वर्क। और कैमरा में आपको ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बाकी कैमरे के मामले में सैमसंग थोड़ा सा अच्छा ही रहता है, आपको अच्छी फोटोज निकल के आएगी। और तो और सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है, तो सेल्फी कैमरे में भी अच्छी फोटोज आने वाली है। बैटरी में आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 25W की वायर्ड चार्जिंग है जो आधे घंटे में 50% चार्ज कर देगा। पर 4500 थोड़ी सी कम है, 5000 होती तो सही रहता, पर आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी इसमें एक दिक्कत है कि आपको एंड्रॉयड 15 तक का ही अपडेट मिलेगा, तो एंड्रॉयड 14 पे ये करंटली है, 15 आएगा बस, उसके बाद इसमें अपडेट देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कैमरा अच्छा ही होता है सैमसंग का, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। हम चलते हैं अपने अगले फ़ोन की तरफ जो सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन को टारगेट करता है। ये है नथिंग फोन 2A, बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें आपको सामने गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, प्लास्टिक फ्रेम और बैक है पर ग्लिफ लाइट मिलती है, तो अमेजिंग लुक आ जाती है इस फोन में। डिस्प्ले में आपको 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके कलर्स अच्छे निकल के आते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे अच्छी चीज़ इसमें सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाता है, बहुत अमेजिंग फीचर्स है, कंपनी ने बहुत ज़्यादा काम किया सॉफ्टवेयर पे, और 3 साल के मेजर अपडेट है, मतलब आपको एंड्रॉयड 17 तक देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्रोसेसर में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो देखने को मिल जाता है, जिसका अंततः स्कोर देखे तो 7 लाख से ऊपर ही देखने को मिलता है, तो आप वही लाइट गेमिंग कर सकते हो, ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे। कैमरा में आपको डुअल कैम सेटअप देखने को मिल जाता है 50+50 मेगापिक्सल का, जो आप एवरेज कह सकते हो, ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर सेल्फी कैमरा बहुत अच्छा है। इसमें भी आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, जिससे अच्छी फोटोज निकल के आती है। बैटरी के मामले में आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, 45W की फास्ट चार्जिंग है, 1 घंटे अप्रॉक्स में आपका फोन चार्ज हो जाएगा। ऐसे तो नथिंग फोन 2A प्लस भी आ चुका है, पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उसको लेने का, क्योंकि जैसे आप देखो ज़्यादा फर्क नहीं है, सेल्फी कैमरा अपग्रेड किया 32 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल, बाकी प्रोसेसर 7200 प्रो इसमें है, उसमें 7350 प्रो देखने को मिल जाएगा, और पीछे बस मेटेलिक लुक दे दिया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप चार्जर की कॉस्ट इंक्लूड करोगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, तो ये वाला फ़ोन सही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो आप इसको भी ले सकते हो। तो हमारा अगला फ़ोन आ जाता है कैमरा सेगमेंट में, ये है रियलमी 13 प्रो। बहुत ज़्यादा अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आता है ये फ़ोन। उसके बाद अगर आप इसकी डिस्प्ले देखो, 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोसेसर में आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 देखने को मिल जाता है, जिसका स्कोर 6.5 लाख के आसपास आता है। इसमें आप ज़्यादा गेमिंग नहीं कर सकते, कोई हल्की बहुत गेमिंग कर सकते हो। और कैमरा की बात करें तो आपको ट्रिपल कैम सेटअप देखने को मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है, तो दोनों कैमरा से बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है, बहुत अच्छे कलर्स आएंगे, अच्छी सी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, तो कैमरा के लिए फ़ोन बहुत अच्छा है। इसमें आपको एंड्रॉयड 14 देखने को मिल जाएगा, जो रियलमी UI 5.0 पे रन करता है। बाकी स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, बैटरी भी इसमें ज़्यादा है, 5200mAh की देखने को मिल जाती है और 45W की चार्जिंग है, जो 1 घंटा अप्रॉक्स में फ़ोन चार्ज कर देगा। तो कैमरा के लिए डेफिनेटली ले सकते हो, पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अच्छा एक चीज़ और, जैसे इसमें 128GB स्टोरेज है, अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप रियलमी 12 प्रो के साथ जा सकते हो, उसका कैमरा भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बस एक चीज़ है कि उसमें प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 देखने को मिलेगा, तो थोड़ा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए या प्रोसेसर। बाकी दोनों फ़ोन कैमरा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम आते थे उस कैटेगरी के ऊपर जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए। इसके लिए मैंने 2 फोन, एक्चुअली 3 फोन रखे हैं, जिसका मैं रीज़न बाद में बताऊंगा।
हमारा सबसे पहला फोन है इन्फिनिक्स GT20 Pro। इसका डिजाइन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, गेमिंग लुक देता है फोन को। इसमें आपको कस्टमाइजेबल RGB LEDs देखने को मिल जाती है बैक में, और इसमें आपको 6.78 इंच की फुल एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, जो गेमिंग के लिए इस फोन को और ज्यादा अच्छा बना देता है। बाकी इसमें प्रोसेसर आपको MediaTek Dimensity 8200 देखने को मिल जाता है, और अंतुतु स्कोर की बात करें तो वो 9 लाख से अबव है, तो इसमें बहुत ज्यादा अच्छी गेमिंग होने वाली है आपकी डेफिनेटली। और स्टोरेज की भी बात करें तो इसमें आपको स्टार्टिंग वेरिएंट ही 256 GB देखने को मिल जाता है, तो स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैमरा इसमें अबव एवरेज है, आपको 108 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, और 2.2 MP का मैक्रो एंड डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। इसकी परफॉर्मेंस अबव एवरेज मिलेगी, और सिमिलरली सेल्फी कैमरा की भी अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, 32 MP का देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो 45W चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब 1 घंटे में फोन चार्ज हो जाएगा। और तो और आपको JBL से ट्यून्ड स्पीकर देखने को मिल जाते हैं स्टीरियो, तो एक टाइप से गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन निकल के आ जाता है। और जो फर्स्ट नंबर पे फ़ोन आ जाता है वो है पोको का X6 Pro 5G, ये भी एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन है। इसमें आपको 6.67 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। और जो मेन चीज़ है इसका प्रोसेसर, इसमें आपको Dimensity 8300 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और अंतुतु स्कोर की बात करें तो वो आपको 13 लाख प्लस देखने को मिल जाता है। बहुत ही स्मूथ गेमिंग देखने को मिलेगी, कोई परफॉर्मेंस लैग नहीं होगा, फ्रेम ड्रॉप नहीं होंगे, अमेजिंग है ये गेमिंग के लिए। बाकी अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो मिनिमम आपको 256 GB देखने को मिलता है। कैमरा की बात करें तो आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, और 2 MP का मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी सेल्फी कैमरा 16 MP का है, तो इनकी एवरेज परफॉर्मेंस निकल के आती है, ये मेनली गेमिंग के लिए बना है। उसके बाद अगर बात करें बैटरी में, आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और 67W की चार्जिंग है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है, आपकी 45 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाएगी बैटरी। तो वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोन निकल के आ जाता है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अंतुतु स्कोर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर ये है कि पिछले कुछ फ़ोन्स में मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आ गई थी, तो थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया लोगों का। इसका ऑल्टरनेटिव है रियलमी GT60, ये एक हायर रेंज का फ़ोन है, मतलब ये आपको 28K या 27K के अराउंड मिलेगा, पर अगर आप इसको डिस्काउंट में 26 के अराउंड भी खरीद लो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी आपको 14 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाता है, जो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। इस फोन को भी एक बार चेकआउट जरूर करना। तो यही था आज की इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।